Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy Lord. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name, Yahusha HaMashiach. We bless your holy name. Yahusha HaMashiach. We bless your holy name. Bless your holy name. Yahusha HaMashiach. Bless your holy name. Bless your Yahusha HaMashiach. We bless your holy name. Bless your holy name. We praise your holy name, praise your holy name, praise your holy name. We glorify you, glorify you, glorify you. We glorify you, Yahusha. Yahusha HaMashiach, we glorify you. Stand by me, stand by me. I have no strength nor power of my own. Loving Savior, stand by me. Hallelujah. Sister Manisha ji, Jai Masih ji. Sister ji, aap prarthana karenge is sabha ke liye. Hallelujah, hallelujah. Mahajeevan Samarthi Parmeshwar, Deha ke Behte Sagar Parmeshwar, एक बार फिर आपके इकलौते पुत्र यीशु नाजरीन हम आपके सम्मुख आते परमेश्वर, जाने अनजाने में किए हुए गुनाह अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने फिर से अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आए परमेश्वर। ये बहुत बहुमूल्य समय है परमेश्वर जो हम आपके साथ बिताने जा रहे हैं परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, अपने चमत्कार होने दे परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस सभा में सम्मिलित होते हैं परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके लहू में ढांक देती हूँ परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति को इस पूरी सभा में मांगती हूँ परमेश्वर। होने दे परमेश्वर अपने कार्य को इस वक्त इस सभा के द्वारा, होने दे परमेश्वर, आप अपने आप को प्रकट करें परमेश्वर, लोगों को हृदय में परमेश्वर आप आए और परमेश्वर अपने कलाम से परमेश्वर उनको जागृत करें परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर आपके लहू को मांगते हैं परमेश्वर। इस सभा के द्वारा परमेश्वर बड़े चिन्ह और चमत्कार होने पाए परमेश्वर, लोगों तक आपका सच्चा कलाम पहुंचने पाए परमेश्वर, और पास्टर विनोद परमेश्वर जब आपका कलाम शेयर करते हैं उनको आपके लहू में ढांक देते हैं परमेश्वर। बोलने वाले वो नहीं परमेश्वर, पर आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करना परमेश्वर, और उनको बहुतायत से इस्तेमाल करना ताकि आपका वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए। सारी आदर महिमा जलाल परमेश्वर आपको देते हैं, ये प्रार्थना इकलौते पुत्र यीशु नाजरीन आपके सम्मुख होकर मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमेन, आमेन। जीसस, आमेन, हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस योर डॉटर मनीषा सिंगी, ब्लेस हर हस्बैंड अमन सिंगी, ब्लेस हर डॉटर्स, ब्लेस हर इन लॉज, ब्लेस हर सिबलिंग्स लॉर्ड,
I plead your blood over our household, Lord God, in Jesus' name, Yeshua Masih ke naam आमीन में, आमीन, जय मसीह जय मसीह की सिस्टर जी, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज मैं एक छोटा सा संदेश आपके साथ बांटूंगा। हम पुनः अपनी सभाएं जैसे पहले करते थे शुरू करेंगे। मैं मीटिंग्स में बहुत ज्यादा बिजी हुआ, लेकिन अब पूरे टाइम को ऑर्गेनाइज करके हम डेली सभा किया करेंगे। और झोपड़ियों का पर्व जो आने वाला है, उससे पहले के पर्व, मैं उन सब के ऊपर आपको परमेश्वर के वचन में से बताता रहूंगा, और हम सब प्रभु के वचन पे मनन करेंगे और अधिक समय प्रार्थना में बिताया करेंगे। हालेलुया। आज मैं एक इम्पोर्टेंट विषय पे आपसे बात करने जा रहा हूं। यीशु मसीह का जन्म वास्तव में कब हुआ? कुछ पास्टर लोगों ने यह प्रश्न किया कि यीशु मसीह का जन्म और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कहां और कितने बजे, और उन सब विषय में उसका एक भाग पे आज मैं आपके साथ मनन करना चाहता हूं। 25th of December, जिसे लोग यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पे मनाते हैं, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की तिथि नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस समय हुआ? अक्सर आपको बताता हूं कि जो पर्व हैं परमेश्वर के, वो अति महत्वपूर्ण हैं। फसा का पर्व, पहला फल, हाबिकुरीम बोलते हैं उसको, फसा जिसे पिशाक बोलते हैं हाब, और उसके बाद अखमीरी रोटी, अखमीरी रोटी का पर्व, उसके बाद पहला फल, और उसके बाद पंतेकुस्त। ये चार पर्व पूरे हो चुके हैं। अब इधर तीन पर्व बाकी हैं। ये है तुरियों का पर्व, रोश हशाना बोलते हैं इसको, और ये है योम किपुर, प्राश्चित का पर्व, और ये है आपके झोपड़ियों का पर्व। तो ये सात पर्वों के अंदर ये संपूर्ण बाइबल स्मृति है। अगर आप परमेश्वर की योजना को, यदि आप परमेश्वर के पूरे प्लान को, परमेश्वर के पूरे समयों को, परमेश्वर की ठहराई एजेस को समझना चाहते हैं, तो आपको इन्हें समझना जरूरी है। परमेश्वर जो कुछ करता है अपने मुकर्रर किए गए पर्वों के ऊपर ही करता है। और जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूं, लेवी व्यवस्था में परमेश्वर अपने पर्वों के विषय में अपनी प्रजा को सिखाता है, और लेवी व्यवस्था के 23 अध्याय में प्रभु यहोवा क्या कहता है? प्रभु यहोवा लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के दूसरे वचन में कहता है, ये मेरे पर्व हैं। फिर उसके 4th वचन में प्रभु यहोवा कहता है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वो ये हैं। ये यहोवा के पर्व हैं, ये यहोवा के ठहराए गए पवित्र समय हैं। और पवित्र समय, परमेश्वर के ठहराए गए टाइम्स, परमेश्वर के ठहराए गए पर्व, आपका मन हिब्रू में वर्ड क्या है? मोएड, मोएटीम, जिसका मतलब परमेश्वर की मुकरर की गई घड़ी, जब परमेश्वर अपनी प्रजा से मुलाकात करेगा, जब परमेश्वर अपनी प्रजा के ऊपर अपनी योजना प्रकट करेगा, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बताएगा कि आगे कैसे चलना है, आगे की क्या योजना है, कौन से समय की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आपको मालूम, यही शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उत्पत्ति की पुस्तक के 1 अध्याय के 14 वचन में, जब परमेश्वर ने सूर्य को दिन पे राज करने के लिए, चंद्रमा को रात पे राज करने के लिए, और सूर्य चंद्रमा और तारे बनाए, और परमेश्वर ने मेजरोथ बनाया, जिसे अय्यूब की पुस्तक में लिखा। तो ये किस लिए प्रभु ने बनाए? समयों के लिए, फॉर टाइम्स एंड सीजन्स। और सीजन्स के लिए जो समय है वही है मोएड, मोएडीम, जो पर्वों के लिए समय है। तो सूर्य चांद सितारों की मूवमेंट के साथ
परमेश्वर के पर्व जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से बाइबल के विद्वानों का, जूश लोगों का, जो मसीहानिक जूस हैं, उनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म झोपड़ियों के पर्व के प्रथम दिन हुआ, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। झोपड़ियों का पर्व वो आने वाला है अक्टूबर के महीने में, 9 से 16 तक, 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक झोपड़ियों का पर्व चलेगा। इस पर्व के प्रथम दिन यीशु मसीह पैदा हुआ, और आज मैं वचनों से आपको ये बताऊंगा। किसी पास्टर जी ने मैसेज लिख के बोला था, घमंड रहित शिक्षा। तो वो पास्टर जी को मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा के माध्यम से, मेरे प्यारे भाई, घमंड और दीनता को समझने के लिए भी यहोवा की दी हुई समझ चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों झोपड़ियों के पर्व के दौरान यीशु मसीह का जन्म हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 14 वचन में बाइबल में बहुत से हिंट हैं, बाइबल में बहुत सा कोलोकियलिज्म है, सिंबॉलिक भाषा है, मेटाफोरिक भाषा है, पंज हैं, जिन्हें आपको और मुझे समझना जरूरी है। ज्यूइश कल्चर्स, कस्टम्स को, भाषा को समझना जरूरी है। तो क्या लिखा है वहां पे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर शब्द देहधारी हुआ। परमेश्वर का शब्द देहधारी हुआ, हा दबार, दबार हा एलोहीम, यहोवा का कलाम। हिब्रू एरमिक भाषा में उसे मामरे कहा गया, परमेश्वर का मामरे, और ग्रीक में उसे लोगोस कहा गया। वो लोगोस शब्द, दबार हा एलोहीम, मामरे, देहधारी हुआ। उसके लिए जो वर्ड है वो है टैबरनेकल्ड अमंग अस। शब्द ने झोपड़ी बनाई हमारे बीच में, तंबू, तंबू बनाया। ये तंबू था उसकी देह। उसने कहा इस तंबू को ढा दो, मैं तीसरे दिन फिर इसे खड़ा कर दूंगा। तो वो तंबू जिसमें यीशु मसीह आया, उसकी जलाली देह, वो तंबू टैबरनेकल के पर्व पे, जो कि तंबुओं का पर्व है, झोपड़ियों का पर्व है, उसके प्रथम दिन, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि यीशु मसीह का कजन था, एक्सक्यूज मी, चचेरा मुसेरा भाई था, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका जन्म निसान महीने की 15 तारीख को हुआ। निसान मंथ की 15 तारीख को उसका उसका जन्म हुआ। तो मैं आपको वचन देना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार मैं पढ़ देना चाहता हूँ, उसका पहला अध्याय। बड़ी बारीक और गहरी स्टडी है, ध्यान से सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 5 वचन। बाइबल में सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, अगर आप खोजोगे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हृदय से गहरी खोज करनी पड़ेगी। तो सुनिए, लूका 1:5 में, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशेबा था। इलिशेबा हारून के खानदान की है, और जकरिया नाम का व्यक्ति किसके दल का है, अबिया के दल का। याद रखिएगा, मैं आगे चल के आपको वचन में से बताना चाहता हूं, आबिया का दल, ऑर्डर ऑफ आबिया, ये आबिया का दल या ऑर्डर ऑफ आबिया क्या है? आपको मालूम, हारून के 4 पुत्र हुए, 2 पुत्रों ने यहोवा के आगे पंजाबी में लिखा ओपरी आग, इंग्लिश में लिखा स्ट्रेंज फायर, वो यहोवा के आगे पृथ्वी की आग लेके चले गए। यहोवा स्वर्गीय आग के द्वारा काम करता है, यहोवा परमेश्वर जमीन की आग से काम नहीं करता। तो वो धूपदान में
जमीन की आग डाल के ले गए, तो यहोवा परमेश्वर के क्रोध ने उन दोनों को मार डाला। उस पर्दे की दूसरी तरफ से जहां पे अहद का संदूक था, वहां से यहोवा की हजूरी की आग निकली और हारून के दोनों बेटे मार दिए गए। तो हारून के दो बेटे बचे। अब सुनिए, पहला इतिहास उसका 24 अध्याय, उसके पहले वचन से, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 24। इसे इमसाल की नहीं, इमसाल नहीं कहते, क्रॉनिकल। जाइए, हमारे साथ सिस्टर हैं जो उर्दू बोलती हैं, सिस्टर जी जर्मनी से हैं। तो ये क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 24 सुने। फिर हारून की संतान के दल ये थे, हारून के पुत्र तो नदाब अबीहू, ये दो पहले बेटे, इन दोनों को गॉड किल्ड बोथ नेदब एंड अबीहू बिकॉज दे ऑफर्ड बिफोर द लॉर्ड स्ट्रेंज फायर। दे टुक बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड द अनऑथराइज्ड फायर। They were trying to burn incense on the golden altar in the holy place, and they brought before the Lord strange fire. You cannot venture to enter in His sacred presence with your earthly materials. You must walk before the Lord with heavenly fire. So the fiery presence of the Lord slew them. नदाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इथमार करते थे। चार बेटे थे, नेदब एंड अबीहू मर गए और इथमार और एलियाजर दो बाकी रह गए। और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इथमार के वंश के अहीमेलेक, जेडोकाइट प्रीस्टहुड जो है, सादोक के खानदान की जो प्रीस्टहुड है वो एलियाजर के खानदान से और इतमार के खानदान से अहीमेलेक, ये दो चीफ पुरखे थे, और सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। डेविड एस्टैब्लिश द ऑर्डर ऑफ द प्रीस्ट विच इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदेक। द ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदेक इज अ डिवाइन हेवनली ऑर्डर। स्वर्ग में यहोवा की हैकल में जो याजकों का ऑर्डर है वो है ऑर्डर ऑफ द मेल्कीजेदेक। वो स्वर्गीय याजकों का ऑर्डर है जिसमें मेल्कीसिदक, जो खुदावंद यीशु मसीह का प्रतीक है, वो अनंत काल के लिए यहोवा के सन्मुख याजक है। तो ये अर्थली ऑर्डर ऑफ मेल्कीसिदक, याजकों का ऑर्डर है ये, जिसे दल दल करके बांट दिया और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतमार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और यूं बांटे गए, एलियाजर के वंश के पितरों के घराने के 16, अलियाजर के खानदान से 16 याजक निकले और इथमार के पितरों के घराने से 8। 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24। स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के आगे 24 एल्डर्स हैं, वो याजक हैं जो यहोवा के सन्मुख याजक की सेवकाई करते हैं। 24 याजकों का संग्रह है स्वर्ग में, उसी की परछाई नीचे है। 24 जो प्राचीन, 24 जो एल्डर्स जिन्हें कहा गया, वो यहोवा के चुने हुए याजक हैं, और ये 24 याजक हैं जो राजा दाऊद ने ठहराए। ये अपने अपने दल में यहोवा के आगे सेवा किया करते थे, छे छे महीने के लिए, सबत से लेके सबत तक इन लोगों की सेवकाइयां बंटी हुई थी और अपने अपने समय पे ये सेवा करते थे। तो क्या लिखा है? तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतमार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त किए गए थे, और नतनेल के पुत्र शमायाह जो लेविया था, उनके नाम राजा के हाकिमों और जदोक और एबियातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों के लेवियों के पुत्रों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे गए, अर्थात पितरों का एक घराना जो अलियाजर के वंश में और इतामार के वंश में से लिया गया। तो ये ऑर्डर बना दिए गए, ग्रुप बना दिए गए इनके, 24 अलियाजर के, 16 और इतामार के 8, उसके ये पोते हैं शायद जो याजक बन गए हैं, और इनसे ये याजकों की पीढ़ी चली। तो अब देखें, पहली चिट्ठी तो यहो
यारीब की, दूसरी यदाया की, तीसरी हारीम की, चौथी सोरीम की, पांचवी मल्ली स्या की, छठवी मीन की, सातवी हकोस की, आठवीं अबिया की। अब ध्यान रखिए, अबिया एक याजक है उनमें से, उसकी कौन सी चिट्ठी निकली है? आठवीं। तो ये जितनी चिट्ठियां निकल रही, 24 चिट्ठियां निकल रही हैं, उसी सर्कल में 12 महीने को, 6-6, 12 जो महीने हैं पूरे, उनको उनको 15-15 दिन के अंदर काट दिया गया। तो उसका ये ऑर्डर है सैबत टू सैबत, ये परमेश्वर के आगे याजक लोग सेवा करते हैं। तो आठवीं जो, आठवा जो दल है वो है अबिया का, अबिया का दल है आठवा। अब लुका रचित सुसमाचार में आइए, उसका पहला अध्याय, उसका 5 वचन, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल, तो वो जो याजक राजा दाऊद ने मुकर्रर किए मल्कीसदक के ऑर्डर के, 24 याजक लोग जो सेवा करते थे, उनकी सेवा चलती आ रही है। तो उस दल में से कौन है? जकरिया नाम का एक याजक है, उसकी पत्नी एलिशबा हारून के खानदान से, उनके घर कोई संतान नहीं है। तो जब अबिया के दल का ये याजक सेवकाई कर रहा है, तो हम देखते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता आता है, और जिब्राइल फरिश्ता जकरिया को ब्लेसिंग देता है, क्योंकि उनके वो पुत्रहीन थे, उसकी पत्नी बांझ थी और उनके घर संतान नहीं थी। तो बुढ़ापे में यहोवा उन्हें संतान की प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि तुम्हारे घर में जो पैदा होगा उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। तो अब जकरिया आबिया के दल से सेवा करने लगा हुआ है। तो अब आप टाइम कैलकुलेट करें, समय की गणना करें, तो जो हैकल के अंदर सेवा करने का विधान ठहराया गया सुलेमान के समय, तो वो पहली सबत को निसान के महीने, तो जो इक्लिजियास्टिकल कैलेंडर है, दो कैलेंडर हैं इज़राइल में, एक कैलेंडर है आत्मिक, परमेश्वर की हैकल की सेवा के अनुसार बनाया गया, और एक कैलेंडर है पॉलिटिकल। तो जो ये यहोवा का कैलेंडर है, इक्लिजियास्टिकल कैलेंडर, ये जब नया चांद दिखाई देता है, फर्स्ट मून, ये छोटा सा चांद दिखाई देता है पास ओवर के समय, फसा के समय, और वो निसान का पहला दिन होता है, निसान महीने का। तो हम देखते हैं कि पास ओवर फसा है, और जो शबुआट है जिसे शबोट बोलते हैं, और पास ओवर और पंतेकुस, ये दोनों जो पर्व है, इसके दौरान प्रीस्टली कोर्सेस, फसा और पंतेकुस, वो जो कोर्सेस हैं ठहराए गए, जो मैंने आपको पहला इतिहास के 24 अध्याय में बताए, और जिसके विषय में लूका 1:5 में लिखा है कि कब यूहन्ना का जन्म हुआ, आबिया के दल के समय, जब उसका पिता हैकल में सेवा कर रहा था। तो ये शुरू कब होते हैं? ये शुरू होते हैं फसा और पंतेकुस्त के समय। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल समय कि कब जकरिया परमेश्वर की हैकल में सेवा कर रहा था, उस कैलेंडर को सेवा कब कर रहा था, ये सप्ताह का 10वां हफ्ता था, 10th week, सप्ताह का 10वां हफ्ता था, और ये दूसरी सबत की शुरुआत थी, और ये था सिवान का महीना। सिवान का जो महीना है वो मई और जून को कहा जाता है, हमारा मई और जून, 15 दिन मई के, 15 दिन जून के, ये सिवान का महीना बनता है। और जैसे कि लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं पहला लूका रचित सुसमाचार, लूका 1 का, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसके 23 वचन को पढ़ता हूँ, लूका 1:23, सुनिए। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए, वह अपने घर चला गया। कौन? जकरिया अपनी सेवा हैकल के अंदर पूरी करके चला गया। जो समय था आबिया के दल का,
वो आबिया के दल का महायाजक था। आबिया के दल का जब समय आता है तब वो सेवा करते हैं। तो वो 24 ग्रुप के अंदर बांटे गए समय हैं, जिन्हें हम वचन को खोज के जान सकते हैं कि कौन सा दल कौन से समय सेवा करता था। तो ये अपनी सेवा पूरी करके अपने घर को चला गया और आगे 24 वचन में लिखा, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशेबा गर्भवती हुई और पांचवें महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा। पांचवा महीना इलिशेबा की प्रेगनेंसी का है। इलिशेबा प्रेग्नेंट कब हुई? जब आबिया का ऑर्डर खत्म हुआ। आबिया का ऑर्डर पहला इतिहास के 24 अध्याय में, वो जो 16 बेटे अलियाजर के, 8 बेटे इथमार के, 24 याजक अलग अलग समय पे सेवा करते थे। वो हर साल उसी समय पे उनको सेवा मिलती थी, हर साल पूरे साल में उसी समय पे आके उनको सेवा करनी होती थी। तो उसी दल में से, आबिया के दल में से जकरिया है जो उस समय सेवा कर रहा है। तो जब वो उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो ये तीसरी सबत होगी सिवान की। सिवान महीना जो कि मई और जून का महीना है। तो हम 40 हफ्तों की प्रेगनेंसी माने, फुल प्रेगनेंसी होती है 40 सप्ताह की। तो सिवान के महीने से हम पूरे 40 हफ्ते आगे जब गिनेंगे तो हम देखेंगे निसान 15 को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। निसान का महीना और 15 तारीख जो कि मई और जून का महीना पड़ता है, उसकी 15 तारीख को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। जब हम इस कैलकुलेशन को लेते हैं, आपको मालूम यहूदी लोग एलिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मलाकी जो आखिरी नबी है उसने ये उनके संग प्रतिज्ञा की, भविष्यवाणी की कि एलिया आएगा और सब कुछ रिस्टोर करेगा। एलिया का आगमन दो बार है। एलिया एक बार आया है, एलिया का आत्मा में यूहन्ना आया है, अब एक बार एलिया फिर आएगा। दो बार एलिया का आगमन है वचन में, वो अलग स्टडी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसराइली लोग क्या करते हैं, जब फसा का पर्व मनाते हैं, पासओवर पीशाक का पर्व मनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एलिया की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि मसीहा के आगमन से पूर्व एलिया आएगा। वो अपने मसीहा की, उन्होंने यीशु को मसीहा नहीं माना, वो मसीहा की अभी भी प्रतीक्षा करते हैं और ये सोचते हैं कि मसीह के आगमन से पूर्व एलिया आएगा। आपको मालूम हर यहूदी औरत ये सोचती है कि उसके घर में जो बेटा पैदा होता ना, मेल बच्चा, वो सोचती है कहीं यही एलिया ना हो। तो फसा के पर्व के दौरान इसराइली लोग क्या करते हैं, जब वो पासओवर सीडर लेते हैं, फसा का भोजन खाते हैं, जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसा का भोजन खाने लगा था, तो वो एक कटोरा रखते हैं, पासओवर सीडर में से एक स्पेशल प्याला रखते हैं एलिया के लिए, दाख रस का प्याला भर के रखते हैं कि एलिया आएगा और हमारे साथ फसा के इस पर्व पे खाना खाएगा। पासओवर फसा का पर्व, जब इसराइलियों ने मिस्र में से कूच किया। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती रचित, यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17:10-13 में, Matthew 17:10-13 और Luke 1:17, मत्ती 17:10-13 और Luke 1:17 में यीशु मसीह ये कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है, टाइप ऑफ एलिया है। तो आपको मालूम वो फसा की रात प्याला रखते कि एलिया आएगा और उनके संग भोजन करेगा। तो आपको मालूम एलिया का जन्म अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म फसा के दिन हुआ। हालेलुया। फसा के दिन एलिया का जन्म हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह अपनी मां की कोख में कब आया, तो उसके ऊपर हम मनन करेंगे। किसलेव का जो महीना है, जो नवंबर दिसंबर का महीना है,
उसे किसलेब बोलते हैं। उस महीने में, किसलेब के महीने में, खुदावंद यीशु मसीह लेट किसलेब, किसलेब के शायद एंड में यीशु मसीह अपनी माँ मरियम की कोख में आया और 40 वीक तक, 40 सप्ताह तक अपनी माँ की कोख में यीशु मसीह रहा। हम ये जानते हैं, वचन में ये लिखा है कि एलिशिबा 6 महीने की प्रेग्नेंट थी जब वो यीशु मसीह की माँ मरियम से मिली, जब यीशु मसीह माता मरियम की कोख में था। हालेलुया। तो हम ये जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है। आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ये वचन पढ़ता हूँ, लुका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और लुका पहले का 24 वचन से, लुका 1 अध्याय के 24 से। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशवा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने पुत्र को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर की एक कुआरी के पास भेजा गया। ये 6वां महीना आपको मालूम कौन सा है? ये पिछला वचन पढ़ें, परमेश्वर बात कर रहा है इलिशिबा की प्रेगनेंसी की। वो 5 महीने प्रेग्नेंट है, फिर 6वां महीना है। ये 6वां महीना यहूदी कैलेंडर का 6वां महीना नहीं है, ये 6वां महीना है इलिशिबा की प्रेगनेंसी का। जब इलिशिबा 6ठे महीने की प्रेग्नेंट है, तब कुआरी मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के व्यक्ति से हुई थी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आके कहा, आनंद जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। और उसने उसको बताया कि तेरी कोख में सृष्टि का तारण हारा दे धार के आएगा। हालेलुया। तो हमने देखा कि योना बपतिस्मा देने वाला सिवान के मंथ में कंसीव हुआ और उसके 6 महीने बाद किसलेब के महीने में, जो कि नवंबर दिसंबर का महीना है, यीशु मसीह अपनी माँ की कोख में आया। और मैंने आपको बताया ये जो 6ठा महीना है ये मरियम की प्रेगनेंसी है। जूश कैलेंडर का 6ठा महीना होता है इलूल, ये इलूल का महीना नहीं है, ये है मरियम की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना जो कि सिवान के बाद ये महीना है किसलेब का। हालेलुया। जो हमारा नवंबर दिसंबर का महीना है। तो हम 6 महीने ऐड करें, 15वां दिन निसान महीने का जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ, उसमें हम एडिंग 6 मंथ फ्रॉम द 15th डे, तो हम पहुंचते हैं 15वां दिन, 15वां दिन 7वां महीना तिशरी का, जो कि सुकोत का पर्व है। हालेलुया। अब किसलेब में यीशु मसीह कंसीव हुआ नवंबर दिसंबर में, उसके बाद हम 9 मंथ काउंट करें और यूहन्ना जब 6 मंथ का है तो जीसस मरियम की पेट पेट में आते हैं, उसके बाद हम 9 मंथ काउंट करें, या सिवान से लेके जो कि 6 मंथ की प्रेगनेंसी है और 9 15 मंथ काउंट करें, तो हम कहाँ पे पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं आप, ये जो आपका मंथ है, अब देखिए यीशु मसीह का मरियम की कोख में आना जो कि किसलेव महीना है, किसलेव का महीना, और किसलेव का जो महीना है, सुने ध्यान से, नवंबर और दिसंबर का महीना, इस समय इज़राइल में एक पर्व मनाया जाता है, उस पर्व का नाम है हनुका। परमेश्वर ने सुपर नेचुरली मनोरा की रोशनी को जगाए रखा, सुपर नेचुरली, तेल नहीं डाला गया उसके अंदर, सुपर नेचुरली मनोरा जलती रही एकल के अंदर जब तक युद्ध लगा रहा। स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर जैतून का तेल डालता रहा और मनोरा को जलाए रखा। ये रोशनियों का पर्व है। यीशु मसीह भी ये पर्व मनाने के लिए गया,
आपको मालूम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 5 वचन, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 46 वचन में हनुका, जो कि फीस्ट ऑफ डेडिकेशन इसे कहा गया है इंग्लिश में, अगर आप पढ़ेंगे ये जो वचन है 12 का 46, तो आप यूहन्ना 12 का 46, यूहन्ना में 3 बार यूहन्ना 8 का 12, यूहन्ना 9 का 5 और यूहन्ना 12 के 46 में, यूहन्ना 12 के 46 में से फीस्ट ऑफ डेडिकेशन कहा गया है, और यूहन्ना 8:12 और 9:5 में यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह यहूदियों को कहते हैं तुम ये जो इसराइली लोग, ये जो फेस्टिवल ऑफ लाइट है, ये हमारे देश में दिवाली की तरह है, यहूदी लोग ज्योतियां जलाते हैं, कैंडल्स और लैंप जलाते हैं। यीशु मसीह उन्हें कहता है मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, सच्ची ज्योति मैं हूँ जो तुम्हारे अंदर का अंधेरा मिटा सकती है। ये ज्योतियाँ, ये रोशनियाँ, ये कैंडल, ये लाइट्स जो तुम जला रहे हो, ये तुम्हारे अंदर का अंधेरा नहीं मिटा सकती, मैं हूँ जगत की ज्योति। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय में, वो सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, वो मनुष्यों का जीवन है, वो सच्ची ज्योति आपका और मेरा जीवन है, और वो ज्योति अंधेरे में चमकती है, आज भी चमक रही है, चमकती है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में वो लिखा गया है, वो ज्योति चमक रही है अंधेरे के लिए। वर्ड इज कॉशिया, मनुष्य की डिप्रेव्ड फॉलन नेचर, इंसान के अंदर के अंधेरे में यीशु मसीह के चेहरे की रोशनी। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में क्या कहता है भाइयों बहनों, बड़ी अद्भुत बात कहता है, परमेश्वर ही है जिसने कहा कि ज्योति हो और ज्योति अंधेरे में चमकी, वही ज्योति हमारे हृदयों के अंदर चमकी है ताकि यीशु मसीह के चेहरे का प्रतिबिंब हमारे अंदर बन जाए। ये है वो सच्ची ज्योति, परमेश्वर के कलाम की सच्ची ज्योति। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं। तो यीशु मसीह किसलेब के समय अपनी मां की कोख में आया, ही वॉज बॉर्न, ही वॉज कंसीव्ड इन द वूम ऑफ हिज मदर मैरी इन द मंथ ऑफ किसलेव, द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, बिकॉज जीसस सेज इन जॉन 8:12-9:5 एंड जॉन 12:16 टॉक अबाउट द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, ऑन टू ओकेजन जीसस सेज बोल्डली, ही सेज आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। Hanukkah, the festival of light, that was the time when Jesus was conceived in the womb of his mother Mary. Hallelujah. Which is 25th day of Kislev according to the Jewish calendar. Hallelujah. Yeshu Masih Hanukkah ke samay apni maa ki kokh mein aaya. Jyotiyon ke parab ke samay. हालेलुया। अब सुने, मैं आगे बढ़ता हूं। तो 15th of निसान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बर्थडे है, 15th of निसान। तो 15th of निसान जो कि मार्च अप्रैल का मंथ है, उससे आगे वी अराइव एट द 15th डे ऑफ द 7th मंथ तिशरी, विच इज द फेस्टिवल ऑफ सुकोत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से यीशु मसीह की आगे के 3 मंथ काउंट करें, वो जब 6 मंथ की थी उसकी मां की प्रेगनेंसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, तब वो यीशु मसीह की मां से मिली, एंड शी ऑलरेडी हैड द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट इन हर वूम। तो जब ये दिन हम कैलकुलेट करते हैं, 15th डे ऑफ द 7th मंथ ऑफ तिशरी, तो ये आपको मालूम कौन सा दिन बनता है, द 7th मंथ ऑफ तिशरी, द 1st डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ सुकोत, झोपड़ियों के पर्व का पहला दिन है ये, झोपड़ियों का पर्व, द फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल। मैंने आपको बताया यूहन्ना लिखता है, यू नो देर आर पन्स इन हिब्रू लैंग्वेज, देर इज मेटाफोरिकल लैंग्वेज दैट इज यूज, there is a Jewish colloquialism, there is symbolic language use, there are similes and similitude in the original language. So Yuhanna kehta hai shabd dehari hua, the word became flesh and tabernacled among us.
The word for tabernacle there is exactly the same word which is used for the feast of the tabernacles. झोपड़ियों का पर्व शब्द देधारी हुआ और उसने हमारे बीच में झोपड़ी बनाई, उसने हमारे बीच में डेरा किया. वो डेरों में रहते हैं. जब वो झोपड़ियों का पर्व मनाते हैं, सभी जूश लोग, डायस्पोरा, जितने दुनिया में फैले हुए यहूदी लोग हैं, सब वापस यरूशलम को लौटते हैं. वो पाम ट्रीज की ब्रांचेस की झोपड़ियां बनाते हैं. और आपको मालूम 8 दिन ये पर्व चलता है, 7 दिन, उसके बाद 8वां दिन मुख्य दिन होता है. और इस पर्व के दौरान वो झोपड़ियों के अंदर, हुपा बोलते हैं उसको, उसके अंदर रहते हैं और ये सेलिब्रेट करते हैं, अपनी जनरेशंस के संग सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे पुरखे जब वो बियाबान में थे, 40 years they were sojourning in the wilderness, how God of Israel was very faithful and loyal to them, how he tended them as a sheep in the wilderness despite their frequent rebellions. God was leading them in the wilderness and God was feeding them from heaven supernaturally. तो उस चीज को वो याद करते हैं. 7 दिन वो पर्व मनाते हैं और 8वें दिन महायाजक शिलोम के कुंड से पानी लेके आता है और ऑल्टर के ऊपर उड़ेलता है. और जूश लोग आइजाया 12 चांट करते हैं कि यहोवा हमारा उद्धार बना है, हम मोक्ष के, उद्धार के कुओं से भर भर के पानी पिएंगे. तब यीशु मसीह योना 7:37-38 में हैकल के बाहर खड़ा और ऊंची आवाज में पुकार के कहता है, अगर कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा, जो मुझसे पिएगा उसके अंदर से जीवन के जल की धाराएं बह निकलेंगी, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. यीशु मसीह कहते हैं, ये पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता, मैं हूं जीवन के जल का झरना. हालेलुया. तो यीशु मसीह झोपड़ियों के पर्व के पहले दिन पैदा हुआ. हालेलुया. और मूसा की व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह का 8वें दिन खतना किया गया. 8वें दिन झोपड़ियों के पर्व के पहले दिन पैदा हुआ और 8वां दिन सबसे मुख्य दिन है. मैंने बताया उस दिन महायाजक पानी उंडेलता है और वो याद करते हैं कि कैसे हमारे बाप दादों को परमेश्वर ने चट्टान में से पानी पिलाया, अवधि चट्टान. और पहला कुरिंथियों 10 अध्याय के 4 और 5 वचन में लिखा है, वो चट्टान कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह था. वो पानी पीते हैं और याद करते हैं चट्टान को, लेकिन वही चट्टान इंसान के रूप में उनके बीच में खड़ी है. ये आखिरी दिन है भाई और बहनों इस पर्व का, झोपड़ियों के पर्व का. और झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन ये एक सेक्रेड असेंबली का दिन है, पवित्र. इसे शिमका टोरा कहते हैं, शिमका टोरा, इसे कहते हैं शिमका टोरा, शिमिनी आजरेत शिमका टोरा, शिमका टोरा, शिमिनी. ये इसराइली लोग, ये जो बाइबल है ना पूरी, ये पूरा पुराना नियम जो 39 पुस्तकें हैं, इसको एक साल में पढ़ते हैं. हर दिन इसका कुछ हिस्सा पढ़ा जाता है. जब ये पर्व आता है ना, झोपड़ियों के पर्व का आखिरी दिन आता है, लास्ट डे ऑफ द फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल, व्हेन दैट पर्टिकुलर डे अराइव्स, द रीडिंग ऑफ द एंटायर टोरा फिनिशेस. दे रीड द लास्ट पोर्शन ऑफ द टोरा एंड टोरा कंप्लीट्स, टोरा इज फुलफिल्ड on the 8th day of the Feast of Tabernacle and Torah begins again from the book of Genesis afresh. So Jesus is born on the 1st day of the Feast of the Tabernacles and the 8th day he comes into the temple of the Most High to be circumcised. He comes when the law, when Torah is completed. Jesus is the fullness of Torah. Jesus did not come to destroy the Torah. He came to fulfill the Torah. He is the zenith of Torah. He is Torah in himself. He did not abolish Torah. Torah is eternal. Hallelujah. To sune, 8th din, jo ki Feast of Tabernacle ka antim din hai, that day Jesus was circumcised. Hallelujah. He says Matthew 5:17-18. Jesus says, I have come to fulfill Torah and the prophets.
Jesus fulfills the Torah of God and the prophets. Hallelujah. तो मैं आपको जैसे पहले बताया मैंने यूहन्ना 1:14 में the word became flesh and dwelt among us. तो ये जो ग्रीक वर्ड है dwelt, ये है शकीनाओ. इट कम्स फ्रॉम स्कीनोस. व्हेन वी रीड सेप्टुअजिंट, सेप्टुअजिंट जो कि ग्रीक ट्रांसलेशन है, हिब्रू के 70 स्कॉलर्स की गई ग्रीक ट्रांसलेशन है, तो उसके अंदर सेप्टुअजिंट में वर्ड है मिशकान. शकीनाओ कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड मिशकान. मैं यहोवा का मशकन हूं. I am the temple of the Most High God. Hallelujah. Tabernacle, tambu, khema. Hallelujah. तो आपको मालूम जो नाम झोपड़ियों के पर्व को दिया गया है, Feast of the Tabernacle, the name for the Feast of the Tabernacle in Septuagint is Hirotei Shekinon, Hirotei Shekhina. आप शखी, यीशु मसीह शखीना बना, तंबू बना, टैबरनेकल बना और हमारे बीच में रहा. हालेलुया, हालेलुया. तो राजा हेरोदेस ने वुड हैव यूज्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द फेस्टिवल ऑफ सुकोथ इन जेरूसलम टू परफॉर्म द सेंसस. क्यों सेंसस क्यों हेरोदेस ने लिया होगा इस समय? क्योंकि फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल को मनाने के लिए पूरे के पूरे यहूदी लोग इज़राइल से और दुनिया के जिस जिस देश में वो तितर बितर हुए, ऑल द डायस्पोरा ऑफ ज्यूइश पीपल, दे रिटर्न टू जेरूसलम. तो इस समय उसने सेंसस लिया. हालेलुया. इट वुड नॉट हैव बीन ऑन हनुका व्हिच फॉल्स अराउंड डिसेंबर 25th ऑन द ग्रिगोरियन कैलेंडर, सिंस ही डिटेस्टेड एंड फियर द हैशमोनियन. हैशमोनियन लोगों से वो डरता भी था और उन्हें बुरा समझता था. तो दूसरा बात कि जो गडरिये थे शेपर्ड्स, वो सर्दी के समय डेड विंटर में बहुत खतरनाक सर्दी के समय अपनी भेड़ों को लेके खुली जगह पे नहीं बैठे थे. वो सर्दी के दिन नहीं थे और आपको मालूम उन्हें एंजल आके भेड़ियों को, एंजल आके गडरियों को, गडरिये जो भेड़े को लेके बाहर बैठे खुले में बैठे थे, क्या कहते हैं? डू नॉट बी अफ्रेड, लूका 2:10, डू नॉट बी अफ्रेड, आई ब्रिंग यू द गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय दैट विल बी फॉर ऑल पीपल. गडरिये बैठे हैं भेड़ों को लेके और एंजल्स ऊपर से आके गाते हैं और कहते हैं कि ये खुशखबरी जमीन के सारे कबीलों के लिए है, पृथ्वी की हर जाति के लिए है, पृथ्वी की हर गोत्र, कुल, भाषा, पृथ्वी की हर एथनिक ग्रुप, पृथ्वी के हर जेनेटिक पूल, पृथ्वी की हर नेशनैलिटी, पृथ्वी की हर संस्कृति के लोगों के लिए ये हर्ष और आनंद का सुसमाचार है. आपको मालूम झोपड़ियों के पर्व को, जो तंबुओं का पर्व इसराइली मनाते हैं, इसे फेस्टिवल ऑफ नेशंस कहा गया है. ये एक ऐसा पर्व है, 6-7 पर्वों में से केवल झोपड़ियों का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसको मनाने के लिए पूरी दुनिया के लोग आ सकते हैं. पूरी दुनिया के लोग, हर धर्म, जात, रंग, नस्ल, कौम, भाषा के लोग आके इस पर्व को मना सकते हैं. ये एक ऐसा अद्भुत पर्व है, इसे कहा ही जाता है पृथ्वी की सब राष्ट्रों का पर्व, पृथ्वी के सब कुल गोत्रों का पर्व. हालेलुया. तो हम जानते हैं कि 30 वर्ष के यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की. लूका रचित सुसमाचार 3:23 पढ़िए. 30 वर्ष की आयु में यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की और अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी ऑफ द गॉस्पल्स को अंडरस्टैंड करें तो 3.5 साल उसने सेवा की. 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवा की और यीशु मसीह को निसान के महीने में क्रूस पे चढ़ाया गया, जो कि मार्च अप्रैल का महीना है. निसान, उस महीने को क्रूस पे चढ़ाया गया. अगर हम वहां से पीछे की ओर काउंट करना करें, शुरू करें 33.5 साल निसान के महीने से पीछे की ओर जाएं 33.5 साल, तो हम फिर पहुंचेंगे तिशरी के महीने में, जब झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है, तंबुओं का पर्व मनाया जाता है. हालेलुया.
कैथोलिक चर्च ने, रोमन कैथोलिक चर्च ने 336 एडी में जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन डिक्लेयर कर दिया। इस दिन यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने और रोमन कैथोलिक क्लर्जी ने 25 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया कि यीशु मसीह के जन्म का दिन है। असल में ये सैटरनेलिया था। अन्य जाति के लोग इस दिन सैटरनेलिया अर्थात शनि देवता की पूजा करते थे, और दूसरे पैंथियन में इस दिन लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। तो उस कलीसिया कॉन्स्टेंटाइन ने कॉम्प्रोमाइज किया। क्यों किया, उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। जितने यूरोप के कबीले थे जो मर्सनरी थे, जो अटैक करते थे रोमन एम्पायर के ऊपर, उनसे समझौता कर लिया उसने। और उसने जिसे एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन बोलते हैं कि सबको हम सब एक ही हैं, सब एक ही परमेश्वर है, सबको हम मानेंगे, सबको हम साथ लेके चलेंगे, सबके सब एकता बना के रखेंगे, ऐसी धारणा थी किसकी, कॉन्स्टेंटाइन की, क्योंकि वो डरता था जो नॉर्डिक ट्राइब्स थी, मर्सेनरी मारने वाले कबीले उनके ऊपर हमला करते थे रोमन एम्पायर के ऊपर। उसने उन सबको संग में मिला लिया, उनके देवी देवता और उनके जितने रीति रिवाज और परंपराएं थी जो परमेश्वर के कलाम से मेल नहीं खाती, वो सब चर्च के अंदर आ गई और 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन की घोषणा कर दी गई। हालेलुया। आपको मालूम वचन क्या बताता है? वचन बताता है, अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ें और प्रकाशित वाक्य पढ़ें, दानिय्येल नबी की पुस्तक पढ़ें, तो वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा, अभी कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा 1000 साल राज्य करने के लिए, वो असल में झोपड़ियों का पर्व है। जब पृथ्वी के सब राष्ट्र, पृथ्वी के सब कुल, भाषा, पृथ्वी के सब कबीले, पृथ्वी के सब देश, मुल्क, उनके राजा, पृथ्वी के सब अधिकारी यीशु मसीह के आगे घुटना टेकेंगे, जैसे वचन में फिलिपियों की पत्री में ये घोषणा की गई कि हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है और हर घुटना यीशु मसीह के नाम में झुकेगा। तो वो सबसे लंबा, सबसे बड़ा झोंपड़ियों का पर्व होगा जो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनके दाऊद के सिंहासन पे बैठेगा और वो पर्व मनाया जाएगा। तो वचन में ये पर्व ऑलरेडी अलग कर दिया गया है, ये यहूदियों के लिए नहीं है, ये पृथ्वी के सब कुल, गोत्र, भाषा, अन्य जातियों के लिए, सबके लिए है ये पर्व। हम जकरिया नबी की पुस्तक के 14 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब एंड डेज आएंगे तब परमेश्वर, 14 अध्याय में एक युद्ध के विषय में है, आर्मगेडन, पृथ्वी के सब कुल, गोत्र और वो दुष्ट आत्माएं आके उन्हें उभारेंगी जब वो मसीह के साथ युद्ध करेंगे। एक भयंकर युद्ध होगा। आप पढ़िएगा जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय का 1-3 वचन। अ डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग व्हेन योर प्लंडर विल बी डिवाइडेड इन योर प्रेजेंस। आई विल गैदर ऑल नेशंस अगेंस्ट जेरूसलम फॉर बैटल। द सिटी विल बी कैप्चर्ड, the houses looted and women raped, half of the city will go into exile, but the rest of the people will not be removed from the city, then the Lord will go out, Yehovah niklega aur un rashtron ke sang yuddh karega as he fights on the day of the battle. Hallelujah. aur likha hai vachan mein ki prabhu swayam laut ke aayenge और प्रभु के चरण जैतून के पहाड़ को छुएंगे। जैसे जैतून के पहाड़ को प्रभु के चरण छुएंगे, जैतून का पहाड़ फट जाएगा। आपको मालूम किद्रोन वैली में एक फॉल्ट लाइन है जमीन के नीचे, जो सिस्मोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों ने, जो अर्थक्वेक, जो भूकंपों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने अंदर खोज के रखा है कि बड़ा भयंकर भूकंप आएगा यरूशलम में जब प्रभु के पांव छुएंगे जैतून के पहाड़ को, और जिज्रेल की वैली खुल जाएगी, पूरी एक तराई बन जाएगी जिसमें 20 करोड़ की फौज आएगी मसीह के संग युद्ध करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां लिखा है ऑन दैट डे हिज फीट विल स्टैंड
जकरिया 14:4, ऑन दैट डे हिज फीट विल स्टैंड ऑन द माउंट ऑलिव व्हिच फेसेस जेरूसलम ऑन द ईस्ट, उसके पांव छुएंगे, जकरिया 14:4। तो सुने आप, यीशु मसीह ने क्या कहा लूका रचित सुसमाचार 24:50 में, लूका 24:50 से एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए जल्दी से। हालेलुया, मैं आशा करता हूं आप प्रभु के वचन में से कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया, सुने यहां पे, तब 24:50, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया, अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु मसीह किधर चला गया? स्वर्ग उठा लिया गया। और वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। अब एक और वचन आपको देना चाहता हूं, ये है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। यहाँ पे लूका बता रहा है वो स्वर्ग उठा लिया गया जैतून के पहाड़ से। हालेलुया, और प्रेरितों के काम 1:10-11 क्या कहता है? ये कहता है, एंड एज दे वर गेजिंग इंटेंटली इनटू द स्काई व्हाइल ही वाज गोइंग, बिहोल्ड टू एंजल्स इन व्हाइट क्लोथिंग स्टूड बिसाइड देम। चेले यूं देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह हवा में उड़ गया उनकी आंखों के आगे, और धीरे धीरे बादलों ने उसे ढांक लिया। दो दूतों ने आके उनसे कहा, दे ऑल्सो सेड, मैन ऑफ गैलिली, गलीली मनुष्यो, वाई डू यू स्टैंड लुकिंग इन टू द स्काई, आसमान की ओर क्या देख रहे हो? दिस जीसस हु हैज बीन टेकन फ्रॉम यू इन टू हेवन विल कम इन जस्ट द सेम वे एज यू हैव वॉच्ड हिम गो इन टू हेवन। ये यीशु जो स्वर्ग उठाया गया ऐसे ही लौट के आएगा। किसी के संग ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की गई विषम में कि वो लौट के आएगा। केवल एक है भाई और बहनों जो लौट के आने वाला है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो स्वर्ग गया वैसे वो लौट के आएगा, जैतून के पहाड़ को उसके पांव छुएंगे, जिस जगह से उठाया गया उसी जगह वापस लौटेगा। दिस इज लॉर्ड्स रिटर्न when no one else than God himself will be the king over all the earth and his name shall be exalted, tab Yehova raj karega aur puri prithvi pe uska naam dhanya mana jayega. To main padhta hu Zechariah nabi ki pustak 14 adhyay ka 8 vachan, kya likha hai yahan pe? It says that the survivors from the nations that came against Jerusalem will then be required to go up to Jerusalem year after year to worship the king and to celebrate The festival of booth. जब मसीह के संग युद्ध करेंगी पृथ्वी की सब कौमें, वो उन्हें हरा देगा। जो पृथ्वी की कौमें बचेंगी वो हर साल किधर जाया करेंगी? मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुने ये वचन। हालेलुया, अद्भुत वचन है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय में चलें और मैं आपके लिए पढ़ता हूं जकरिया 14 और उसके 16 वचन से। सुने जकरिया 14:16 से, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों से बचे रहेंगे, हर मैगेडन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, मसीह जीतेगा, सब पृथ्वी की कौमें हारेंगी, जो लोग बचे रहेंगे वह प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करेंगे। ये पर्व मनाए जाते रहेंगे, ये खत्म नहीं हुए। ये झूठी शिक्षा देते हैं जो हाइपर ग्रेस थियोलॉजी वाले लोग हैं, प्रेटरिस्ट हैं। जो प्रेटरिस्ट थियोलॉजी का मतलब होता है वो कहते हैं सब चीजें पहले ही पूरी हो गई हैं। ये बहुत ही शैतानी और गलत शिक्षा है। वो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए पृथ्वी की कौमें जाएंगी यरूशलेम को। हालेलुया, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहां वर्षा ना होगी, बारिश नहीं होगी बरकतों की। ये है बरकतों की बारिश। ऐसे लोग पोस्टर लगा देते हैं ना, बरकतों की बारिश, बरकतों, ये है बरकतों की बारिश। और यदि मिस्र का कुल वहां ना आए तो क्या उन पर वह मरी ना पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। मरी और प्लेग आएंगी लोगों के ऊपर जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये झोपड़ियों का पर्व जो है
उसके प्रथम दिन यीशु मसीह पैदा हुआ और उसके आठवें दिन यीशु मसीह का खतना किया गया। झोपड़ियों के पर्व में यीशु मसीह हमारा तंबू बन के आया है, जिस तंबू के अंदर हम अब परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, सबको जय मसीह की। हम अपनी बाइबल स्टडी रेगुलर शुरू करेंगे और पर्वों के दौरान उपवासों में प्रार्थना करना शीघ्र शुरू करेंगे। यू विल हियर फ्रॉम मी वेरी शॉर्टली एंड कैच अप विद मी एवरी डे एंड वी विल बी मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु मसीह की।